नमस्कार, वेलकम टू वी ऑटोलॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक चौहान। आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी प्रोस्पेक्टिव कार बायर होता है या फिर जिसने गाड़ी नहीं भी ली होती तो सबने सोचा होता है कि जब मैं अपनी गाड़ी लूँगा तो मैं उसमें कुछ इस तरीके से इंटीरियर कराऊँगा। एक्सटीरियर में तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं शोरूम से, बट इंटीरियर में चाहे आप लोअर सेगमेंट लें कार, चाहे आप अपर सेगमेंट कार लें, या फिर आप उसका कोई नीचे का मॉडल लें या उसका टॉप मॉडल लें, हर एक कार में आपको कुछ ना कुछ इंटीरियर तो कराना पड़ता है। उसमें सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो है आपके कार के सीट कवर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं लोग, बिकॉज इसमें आपकी इतनी ज़्यादा वैरायटी आती है ना, और इसमें इतना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अगर यूजुअली कभी भी गाड़ी का इंटीरियर कराने जाते हो, एक या दो या तीन शॉप्स में जाओगे, पहली बात तो आपका इन चीज़ों सीट कवर्स में आपको एक शॉप पे जितने भी ऑप्शन हैं सारे कभी भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे, या मिल भी जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो कि आपके गाड़ी के सीट कवर्स हैं उसको आप सही तरीके से अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे चूज़ करें, और आप कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने गाड़ी के इंटीरियर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि सीट कवर में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। सो मोटे मोटे तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला है आपका फैब्रिक सीट कवर्स। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, चाहे वो कॉटन हो चाहे नायलॉन हो, और बहुत कैटेगरीज इसमें अवेलेबल हैं। सिमिलरली सेकंड आपका मेजर ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है PU आर्टिफिशियल लेदर। ठीक है, इस PU आर्टिफिशियल लेदर्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेक्सीन, आपका नापा और इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस। सिमिलरली थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो आप सब जानते होंगे वो है लेदराइट सीट कवर्स या प्योर लेदर सीट कवर्स। जो प्योर लेदर सीट कवर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आप जानते हैं लेदर की फॉर्मेशन कैसी होती है, उसमें एनिमल्स की स्किन वगैरह यूज़ होती है, तो बहुत सारे लोग वो एक प्रीमियम फील तो देता है, बट जो लोग थोड़ा सा एनिमल राइट्स को ध्यान रखते हैं या फिर एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, वो लोग इस तरह के सीट कवर्स को जल्दी से प्रेफर नहीं करते अनटिल अनलेस वो शोरूम फिटेड एक्सेसरी की तरह आए। और हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जानवरों को मार के या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के बनाई जाए उसको आप यूज़ ना करें। तो बात करते हैं फैब्रिक सीट कवर्स की। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता हूँ। ठीक है, फैब्रिक में आपके पास कॉटन मिल जाता है, आपके पास नायलॉन मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का टेक्सचर आपको फैब्रिक सीट कवर्स में मिलेगा। देखिए आप इस टेक्सचर को देखेंगे, ये प्रॉपर कपड़ा है, कुछ नायलॉन जैसा फिनिश है इसमें, बट इसकी जो क्वालिटी है उसका एग्जैक्ट नेम मैं स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा आपको उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बट ये बेसिकली फैब्रिक सीट कवर्स हैं। फैब्रिक सीट कवर्स के अपने अलग फ़ायदे हैं, अपने अलग नुकसान हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपके फैब्रिक सीट कवर्स आपके ऑल सीजन वेयर सीट कवर्स होते हैं। आप इसको सर्दी में यूज़ करो, आप इसको गर्मी में यूज़ करो, किसी भी वेदर कंडीशन में ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, बहुत ज़्यादा इनसे भपका नहीं निकलता गर्मी का, ना ही ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं कि आपको बैठते ही एकदम से अनकम्फर्टेबल लगे। ठीक है, हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हीट के साथ साथ ये डस्ट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ जब भी आप कोई लिक्विड अपने गाड़ी में खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसका स्टेन भी बहुत आसानी से लगता है, और अगर कुछ लिक्विड गिरता है तो वो एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी से हो जाता है। सेकेंड थिंग, इसकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, चलाने को आप इसको काफ़ी टाइम भी चला सकते हो जब तक ये फटे नहीं, लेकिन जो इनका लुक होता है ना वो 3-4-5 सालों में ये फेड आउट होना शुरू हो जाता है। जो डिज़ाइन, जो लुक आप सोच के इसको अपनी गाड़ी में फिट कराते हो वो फिनिशिंग आपको 3-4 साल बाद नहीं देखने को मिलती है। इसकी मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल होती है, इसको साफ़ सुथरा रखना, एक ही ऑप्शन है आपके पास, इसका इंटीरियर ड्राई क्लीन कराना। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको फैब्रिक के साथ ध्यान रखने होंगे। सो वेलकम साहिल भाई, सबसे पहले आप ये बताइए हम आर्टिफिशियल लेदर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम बजट से लेके हाईएस्ट बजट तक।
सर आर्टिफिशियल लेदर में हमारे पास सबसे स्टार्टिंग जो रेंज होती है वो होती है 8 लेदर जो हमारे शोरूम पे आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे बाहर की बात करें तो बाहर आपको स्टार्टिंग हो जाता है रेक्सिन से, रेक्सिन आपको हर जगह मिल जाएगा। हमारे पास आपको आर्टिफिशियल लेदर मिलेगा में 8 लेदर, देन काफ लेदर, देन डर्बन लेदर, शीप लेदर, अलग अलग, और फिर वो थोड़ी हाई वेराइटीज़ में चले जाएंगे। फिर आपका इम्पोर्टेड आ जाता है, लेदर टच आ जाता है, लास्ट एंड टू एंड ओरिजिनल लेदर। ठीक जी। सो आर्टिफिशियल लेदर में कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर का फ़र्क होता है, जैसे वेराइटीज़ आपने जो भी नाम बताए, गर्मियों के लिए कोई ज़्यादा सुटेबल, सर्दियों के लिए कोई ज़्यादा सुटेबल, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है क्या? ये सब फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी फैब्रिक। मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल लेदर के अंदर ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स फॉर एग्जांपल आर्ट लेदर जो होता है वो थोड़ा थिन कपड़ा होता है हमारा। ठीक है। वो हमारे गेजेस पे वेरी करता है, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 1.1 गेज से, देन आएगा 1.4 गेज से डर्बन लेदर, जहाँ से हमारे जो गर्मी के वो है प्रॉब्लम जो कस्टमर्स देखते हैं हमारे भपका निकलता है सीट से जब गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, बहुत जलन सी महसूस होती है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी, 1% भी नहीं आएगी। फिर आएगा हमारा शीप लेदर। ठीक है। शीप लेदर के अंदर आपको सर नेक्स्ट लेवल कम्फर्ट मिलता है, नेक्स्ट लेवल आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको उसके अंदर जो फिटिंग और क्वालिटी मिलेगी वो भी हमारे काफ लेदर से और आर्ट लेदर से बढ़िया मिलेगी। ठीक है जी सर। इसमें और भी प्रीमियम रेंज आती है सर? प्रीमियम रेंज इसमें इम्पोर्टेड लेदर आ जाता है, फिर लेदर टच आ जाता है, वो फुल आपको लेदर टोन में मिलेगा, लेदर टच हमारा ये रहा, फुल इसमें लेदर टोन मिलेगी आपको। ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार, मतलब फुल लेदर टोन है, आपके पास हाथ में रखूंगा तो इस पर आवाज़ एक आप देख सकते हैं, फील देख सकते हैं आप उसकी, फुल फिटिंग है सब कुछ, आपको स्टिचिंग बिल्कुल जो आपकी ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू इनके अंदर जो आता है फुल फील उसका आएगा। ठीक है। सो जितने भी आपने लेदर के वैरायटीज बताए, हाँ जी, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि शीट्स के अकॉर्डिंग जब हम कस्टमाइज कराते हैं फिटिंग में, कुछ डिफरेंट लेदर्स का डिफरेंट फिटिंग का क्वालिटी डिफरेंट आती है, या सब कुछ हमारी सीट के हिसाब से सारे लेदर्स मोल्ड हो सकते हैं? सर एंड टू एंड देखा जाए तो फिटिंग हम सबकी, हमारी स्टर्लिंग की हमारी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया है सबकी, चाहे वो आर्ट लेदर हो, डर्बन हो, काफ हो, शीप हो, एनीथिंग लेदर, मतलब सारे लेदर सारे की सब फिटिंग अच्छी है। पर सर थोड़ा क्या होता है, थोड़े रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्या होता है जब कपड़ा थिन होता है तो उसमें फॉर्म अलग से लगाई जाती है। राइट। मैंने एक लैमिनेटेड फॉर्म आती है जो हमारी डर्बन और शीप पे लग के ही आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो उस पर बिल्कुल भी 1% रिंकल नहीं रहता है। ठीक है। पर जो आर्ट लेदर और काफ लेदर होता है उसके अंदर आपको लैमिनेटेड फॉर्म नहीं मिलती है, तो उससे थोड़ा थोड़ा वो आपको जैसे हीट गन मार के हम निकाल देते हैं। ठीक है। काफ़ी हद तक फिटिंग हमारी, मतलब ये तो नहीं कहेंगे 90-95% फिटिंग अच्छी आ जाती है हमारी फिटिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ की। सर अगर आर्टिफिशियल लेदर की जो भी आपने वैरायटीज बताई, जैसे कि आपने बताया कि आप जो बिल्कुल लोअर वैरायटी है वो आप रखते नहीं हो, ठीक है, रेक्सिन से ऊपर की जितनी भी आपने वैरायटीज बताई जिसमें हमें ये सारे सीट कवर्स देखने को मिल रहे हैं, देखने में इनका टच एंड फील बहुत अच्छा है, बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। एक एवरेज लाइफ एक अच्छे सीट कवर्स की कितनी है सर? ड्यूरेबिलिटी से आर्टिफिशियल लेदर की बात करें, आर्टिफिशियल लेदर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमेशा देखी गई है, 5-6 ईयर्स मिनिमम रहती ही रहती है। अच्छा, कलर्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती? कलर वेरिएंट्स आपको सारे मिल जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कलर, जैसे धूप में गाड़ी खड़ी है, हाँ जी, हम दिल्ली में हैं, इंडिया में ज्यादातर धूप वाला ज्यादा मौसम ज्यादा होता है, कलर फेड हाँ सर, कलर फेडिंग का उसमें ज्यादा होता तो नहीं है, पर क्या होता है सर जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, कभी कभी लगता है कि धूप से भी कभी कभी कलर फेड हो जाता है, वो हमारा देखा जाता है काफ लेदर के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेन्स होती हैं। ठीक है। जो कपड़े में थोड़ी ग्रेन्स होंगी वो सर थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करके कलर फेड हो जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, रफ यूज और एक होता है सटल यूज, की बहुत लिमिटेड ऑफिस जाना ऑफिस आना, और कुछ होते हैं लोग जिनका बहुत रफ यूज होता है, सामान भी कैरी करना होता है गाड़ी में, हैवी ऑब्जेक्ट सीट्स पे रख दिए, तो इसमें भी क्वालिटी में कैसे मैनेज होता है, कौन सा बेस्ट होता है रफ यूज के लिए? सर वैसे देखा गया है हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं अगर वो कभी भी रफ्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो जो मेरा बेसिक कंसर्न होता है उन्हें जो उन्हें अपनी फैमिली के लिए कार नहीं चाहिए, उन्हें अपने वर्क के लिए भी कार चाहिए, ठीक है, तो सर वो ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप काफ लेदर या डर्बन लेदर पर जाइए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है सर कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको काफ लेदर के अंदर ज़्यादा कभी कभार होता है कि पीछे जो ग्रेन्स होती हैं, जैसे कभी कभार किसी ने अपना सामान ज़्यादा रख दिया, लोडेड कर दिया गाड़ी, तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ें फट जाती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती, जल्दी से ख़राब नहीं होती। अगर बात करें लिक्विड की, जैसे अक्सर हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, खा पी भी लेते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक गिर गई या बच्चों ने कुछ सामान गिरा दिया, खाना पीना, मेंटेनेंस पीओ आर्टिफिशियल लेदर, कौन सा लेदर सोक कर लेता है, कौन सा लेदर सोक नहीं कर पाता है, या फिर हमें अपने लिए सेलेक्ट करते हुए, अगर हम इस तरह के लोग हैं कि हम गाड़ियों में खाना पीना अक्सर पसंद करते हैं फैमिली आउटिंग्स पे, तो कौन सा लेदर हमें चूज़ करना चाहिए, कौन सा लेदर चूज़ नहीं करना चाहिए? सर अगर आपको डस्ट का कोई इशू है, जैसे कि हम कुछ खाते हैं पीते हैं वो पील ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, कुछ भी
तो सर उसके तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे 8 लेदर से लेकर इम्पोर्टेड लेदर के सारे हमारे वाटर रिपेलेंट है, सबके अंदर सर कूलिंग इफेक्ट है, सबके अंदर ही सर आपको जो भी आप जैसे आपने बेसिक कंसर्न था कि आपको इजी टू क्लीन, जो आप इजी टू क्लीन हो जाए, किसी को पेट होते हैं बार बार हर गाड़ी ड्राई क्लीन के लिए नहीं जा सकती, ड्राई क्लीन के लिए वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। वो चीज इतनी नहीं है कि पानी नहीं सोखता है हमारा। ठीक, डस्ट वाले, डस्ट आपने बताया, डस्ट रिपेलेंट बताया शायद आपने, फिर भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे डस्ट, कच्चे इलाके होते हैं जहाँ पे सड़कें थोड़ी कच्ची होती हैं, वहाँ गाड़ियों में डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हमारे पास फैब्रिक सीट कवर है या कोई लो क्वालिटी का सीट कवर है, जब आप बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर मिट्टी मिट्टी नज़र आएगी, तो इस केस में हमारे कौन से सीट कवर सबसे अच्छे रहते हैं जो ज़्यादा डस्टी एरियाज में लोग रहते हैं, जो ईजी टू क्लीन हो, एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि वो एक तरीके से आपके सांस में भी लेने में जा रहा है तो गाड़ी के अंदर पॉल्यूशन को बढ़ाएगा। मैंने आपको बताया कि हमारे में ज़्यादा डस्ट मतलब कोई भी हमारे आर्टिफिशियल लेदर में ऐसे सीट कवर नहीं है जो डस्ट को होल्ड करके रखे, किसी का नहीं आया है कि मतलब डस्ट ज्यादा पकड़ रहा है, कंसर्न किसी का नहीं आया है। सिंपल हल्का गीले कपड़े से मार दें, मार के साफ कर सकते हैं, साफ हो सकते हैं। वरना आप जैसे आप देख सकते हैं किसी किसी को एक इश्यू होता है कि इनको फैब्रिक्स में जाना, ठीक है, तो फैब्रिक्स में जैसे कई बार देखा गया कि फैब्रिक्स जलता बहुत जल्दी गंदा होता है, ठीक है, वो बहुत सब कपड़ा है गंदा होगा, आप देखेंगे फीटर फैब्रिक जल्दी से गंदा नहीं होता क्योंकि इम्पोर्टेड है, क्योंकि सर ये आपका इम्पोर्टेड फैब्रिक में आता है, इम्पोर्टेड लुक में आता है, इसकी क्वालिटी, कंफर्ट, फील नेक्स्ट लेवल। अगर आप देखेंगे, अगर हमारे कस्टमर्स देखेंगे तो उनको पता, ये भी वाटर रिपेलेंट होता है सर? ये वाटर रिपेलेंट तो नहीं होता है, पर ये है कि ज्यादा पानी नहीं सोखता और डस्ट तो हल्की फुल्की है सर। मैं मतलब हम अगर अपने घर कार, जो कार वाला वैक्यूम क्लीनर होता है, अगर कोई यूज कर रहा है तो बहुत इजीली ज्यादा होल्ड नहीं करेगा, उससे इजी टू क्लीन, आप जैसे कपड़ा मार के भी साफ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ फैब्रिक सीट कवर्स ही लेना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लेदर या फुल लेदर सीट कवर्स आप नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फ्रीटो फैब्रिक चूज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, अगर आप तुरंत से गिरते ही तुरंत से इसको साफ कर दें और कार का वैक्यूम क्लीनर है आपके पास, तो आप हल्की फुल्की क्लीनिंग से इसको डस्ट और दागों से थोड़ा दूर रख सकते हैं। अब आप जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं जो दूसरे स्टेट से भी देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि उनको अपने सीट कवर्स चूज करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी की हाईवे राइड ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म जर्नी ज़्यादा है, तो कौन सा सीट कवर सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है? सर कंफर्टेबल में अगर हम देखा जाए तो मैंने आपको बताया शीट लेदर हमारा मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ सीट कवर्स है। इसके अंदर ही आपका अल्ट्रा कंफर्ट भी बनता है, जैसे आप देखा होगा मेमोरी फॉर्म पॉलीफिल भर के बनता है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है, पर उसमें क्या एक इश्यू जो आते हैं मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि उसके अंदर जैसे आप बैठते हैं तो गर्मी में उसमें कितने भी आपका अच्छा एसी हो पर वो आपको थोड़ा थोड़ा नीचे से आपको पसीना आएगा ही आएगा, हाँ, स्वेटिंग आपको होनी है क्योंकि सर पॉलीफिल जो है पॉलीफिल आपकी बहुत जल्दी गर्मी पैदा करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसमें जाइए शीट लेदर एलई डिजाइन जो हमने खास इस चीज़ के लिए बनाया है, इसके अंदर कम्फर्ट भी नेक्स्ट लेवल है, मेमोरी फॉर्म लगा रखी है, कितना भी लंबा रूट पर आपको जाना है यू कैन गो ईजिली। कोई ऐसा भी कपड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो 12 महीने ठंडी रहती हैं जी, तो उन जगहों के लिए ठंडे एनवायरनमेंट्स के लिए कौन सा सीट कवर ज़्यादा बेटर रहता है? सर ठंडे एनवायरनमेंट के तो मैंने देखा गया है कि आप तो जैसे काफ लेदर से स्टार्टिंग ले लीजिए, काफ लेदर भी आप ले सकते हैं क्योंकि ठंडे में क्या होता है सर जैसे ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है ओनली गर्मी का, ठीक है, हाँ 90% जो आपने देखा होगा कि 90% जो कंसर्न सिर्फ गर्मी का ही होता है, सर्दी में वो कैसे ना कैसे करके टॉवल डाल के वो चला लेते हैं, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, तो आप काफ लेदर स्टार्टिंग करेंगे तो वो भी। काफ लेदर के अलावा एक बार दोबारा से बता दीजिए कौन कौन सी वैरायटी हमारे पास अच्छी क्वालिटी में, कौन कौन सी वैरायटी काफ लेदर के अलावा हमारे पास अवेलेबल है? डर्बन है, शीप लेदर है, लेदर टच है, प्रीमियम फील, इम्पोर्टेड लेदर है, ये सभी अच्छी क्वालिटीज, ड्राई लेदर है, अमेरिकन लेदर है, बहुत सारे लेदर्स हैं सर। कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाते तो आप उनको कोरियर भी करा दोगे? आपको कोरियर, हम बिल्कुल कोरियर करा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस मेरे और हैं स्टिचिंग को लेके कि कोई ऐसा भी है कि थोड़ा स्ट्रेच होने के बाद स्टिचेस से खुलना शुरू हो जाए या पपड़ी वगैरह की हम पूरी गारंटी लेते हैं ना? टू ई रिप्लेसमेंट आपको दे ही रहे हैं पर आप स्टिचिंग का आप देख सकते हैं, स्टिचिंग हमारी फाइन स्टिचिंग है सबके अंदर ही, आप स्टिचिंग की क्वालिटी देख सकते हैं। ये जो सभी सीट कवर्स हैं ये सभी सीट कवर्स बकेट फिट के साथ अवेलेबल हैं या नॉर्मल फिट भी हो जाते हैं? सर फुल बकेट के साथ अवेलेबल हैं पर आप नॉर्मल फिटिंग जैसे किसी को कंसर्न होता है किसी को सीट नहीं फटवानी है अपनी तो वो नॉर्मल फिटिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेदर में जितनी भी आपकी वैरायटी आती है आप सभी को नॉर्मल फिट या बकेट फिट दोनों फिट में करा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपका अगर कंसर्न, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है सीट की फैब्रिक को कटवाने से या ना कटवाने से, तो आप नॉर्मल फिट भी करा सकते हैं। ये आपको 19-20
एक जैसी ही लुक देंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छी फिटिंग चाहिए, बहुत अच्छा लुक चाहिए, तो बकेट फिट ही ऑलवेज रिकमेंडेड होती है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी यूज़फुल होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है आपकी इससे रिलेटेड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसको क्वेरी से रिलेटेड हेल्प कर सकूं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार हमें लाइक और सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ ले सकें। थैंक यू।